सो फाइनली अब हम लोग एग्जाम देके फ्री हो गए। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम है अभी भी होने बाकी होंगे, डोमेन वगैरह के। आप लोगों ने बड़ा ही संघर्ष भरा एग्जाम दिया, इतनी चिलचिलाती धूप में आपके अभिभावक लोग खड़े रहे, आप लोग एग्जाम सेंटर पे गए, एग्जाम दिए। कहीं ना कहीं यूजी के विद्यार्थी इतनी ज्यादा तपस्या किए हैं कि कहने की बात नहीं है, अपने आप में वही एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया। भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर है बाहर, लेकिन आप लोगों ने फिर भी सुबह से शाम तक जाके अपने सेंटर्स पे एग्जाम दिया। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग का जो एक मेहनत है वो सफल हो जाए और आप लोग अपने जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन ले पाओ। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अब आपका एक वीडियो सीरीज ले आने वाले हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट कोर्स क्या है और सब्जेक्ट्स क्या है और उसके मिनिमम कट ऑफ यूनिवर्सिटी वाइज क्या हो सकते हैं। आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है, पीजी को भी टारगेट करेंगे ना अभी से हम लोग, क्योंकि यूजी के ही कोर्स सब्जेक्ट्स के बेसिस पे पीजी का भी डिसीजन ले लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप यूजी में कुछ भी कर लिए और बाद में पीजी में रास्ते बंद नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे पूरे अगर सीरीज को फॉलो करोगे तो आप कम से कम नंबर पे भी कहीं ना कहीं एडमिशन ले पाओगे, वो भी अच्छे सब्जेक्ट्स पे ले पाओगे। क्योंकि क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको दूंगा और वो ढूंढ के यूनिवर्सिटी ले आऊंगा जहां पे आपका एम फुलफिल हो जाए। ठीक है, सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे यूपीएससी, चाहे आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना हो, चाहे आपको आगे चल के किसी कॉमर्शियल कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना हो, एमबीए करना हो, तमाम चीजों के लिए हम लोग पूरी सीरीज फॉलो करेंगे, आपको देखना जरूर है। आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टॉप जितने भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसका तो हम लोग अनऑफिशियल कट ऑफ जरूर एनालिसिस करेंगे। आज हम लोग किसका कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं, बीएचयू बीए। ध्यान देना, हम लोग जब भी बीए की बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो आर्ट्स है, ठीक है, बीएचयू में एक आर्ट्स है और एक यहाँ पे भाई सोशल साइंस भी है। ठीक है, सोशल साइंस भी है, तो आप लोग कहीं ना कहीं ये पूरा ये कट ऑफ देखना, क्योंकि आर्ट्स और सोशल दोनों के लिए मैं यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा हम लोग पेपर पैटर्न को पहले जान लेते हैं, पेपर पैटर्न क्या रहा है इस बार का। बीएचयू में बीए करने के लिए, चाहे आर्ट्स हो चाहे सोशल हो, किसी फैकल्टी में आप जाना चाहते हो, बीए करने के लिए जो यहाँ पे रिक्वायर्ड सेक्शन है वो जनरल टेस्ट का है और लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में आप हिंदी और इंग्लिश कोई भी ऑप्ट किए होगे तो आप एलिजिबल हो, और जनरल टेस्ट दिए हो तब एलिजिबल हो। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो मुझे बाद में बोले सर हम जनरल टेस्ट नहीं दिए, आप इन दोनों में से अगर कोई एक नहीं दिए हो तो आप बीएचयू से बीए नहीं कर सकते हो। ये वीडियो बस बीए के लिए स्पेशल है, मैं कमिंग वीडियो बीएससी और जो भी है वो ले आऊंगा। ठीक है, बीएलएलबी बीकॉम पे ले आऊंगा। अब ईच क्वेश्चंस करी 5 मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो इफेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट था वो कितना था, 50 और 40। टोटल मार्क्स सिंगल कितना चला आया, 250 और 200। लेकिन बात यहीं पे नहीं बनेगी, बीएचयू इस पूरे एडिशन ऑफ मार्क्स को अपना पूर्णांक नहीं मानता, होल मार्क्स नहीं मानेगा वो। ठीक है, अभी वो इसमें कुछ कम करेगा। अब क्या कम करेगा, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, कट ऑफ जानने से पहले हम लोग इफेक्टिव मार्क्स जान लेते हैं। ठीक है, इफेक्टिव मार्क्स का कहने का मतलब यह है कि आपका तो 250 क्या हो गया, जनरल टेस्ट हो गया। ठीक है, चलो मैं जनरल टेस्ट ले लिया, ठीक है, जीटी, और ये आपका क्या हो गया, भाषा हो गया, यानी लैंग्वेज हो गया। ठीक है, चलो भाषा हो गया, लेकिन ये इस भाषा का कितना लेगा, 50% ऑफ ऑब्टेंड मार्क्स या टोटल का 50%। मेरी बात समझे कि नहीं, यानी कि 250 और प्लस 100। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट जो है वो जनरल टेस्ट में 160 पाता है और लैंग्वेज में 180 पाता है। ठीक है, तो वो लैंग्वेज का जो 180 है वो कितना कंसीडर होगा, वो 90 मार्क्स ही कंसीडर होगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 250। ठीक है, आप समझे कि नहीं, ऐसे आप जोड़ते हैं तो कुछ ज्यादा आता, लेकिन यहाँ पे क्या किया मैं, यहाँ 50% यानी इस 90 का 50% ही ये लोग क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। सो ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना जो मार्क्स है वो लैंग्वेज को 50% करके ही एड ऑन करोगे। ठीक है, ओके, अब हम लोग एवरेज जानने से पहले हम लोग यहाँ पे मैं लगभग 1 से 4 राउंड की बात करूंगा। आपका जो टोटल राउंड आएगा वो कितना आएगा, टोटल राउंड जो आएगा वो कम से कम 11 राउंड आएगा। ठीक है, 11 राउंड। आप लोग जब अभी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा बीएचयू का, तो उस समय मेरे वीडियो जरूर देखना, क्योंकि फॉर्म काउंसलिंग करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रेफरेंस भरना है, पेड लेना है कि नहीं लेना है, कैसे ये सब चीजें हैं, वो प्लीज आप लोग वीडियो देख के तभी भरना, क्योंकि आप अच्छे मार्क्स ला के भी अगर ठीक से काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं जाते हो तो आपका एडमिशन रुक सकता है। ठीक है, यानी नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ये आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, लगभग इतने ही कैटेगरी के लोग होते हैं।
इतने कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे। एफएमसी यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, बीएचयू का जो बड़ा वाला गेट है ना उसके अंदर, एमएमबी मतलब उसके 100 मीटर अंदर जाने के बाद लेफ्ट साइड आप देखोगे ओनली गर्ल्स के लिए एमएमबी है, काफी ज्यादा नाम है, महिला महाविद्यालय जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये एफिलेटेड, और एफिलेटेड में कितने कॉलेजेस हैं, तो ये पूरे हमारे पास 4 कॉलेजेस हैं। बीए के लिए आरजीएससी में सीट नहीं है, यानी जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है वो भी इसका एक पार्ट है बीएचयू का, लेकिन वहां पे सीटें नहीं है बीए का, तो जहां जहां सीटें मैंने उसी को लिखा हुआ। सोशल और आर्ट्स दोनों के लिए ध्यान देना थोड़ा सा अप डाउन होगा, तो मैं एक ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूं। लगभग आप ध्यान देना आपका टोटल मार्क्स पहले कितना हो गया, टोटल अब 350 हो गया, ठीक है। अब हम लोग 350 पे जानेंगे, तो 350 में लगभग 245 अगर लाते हो तो आप स्टार्टिंग के फर्स्ट राउंड में भी एडमिशन ले लोगे जनरल कैटेगरी से हो तो। ओबीसी में 225, ईडब्ल्यूएस 230, एससी 200 और 180, ठीक है, एसटी का। ये स्टार्टिंग के 1-4 राउंड तक एडमिशन हो जाएगा, कितने से 1-4 राउंड तक आते आते, वो भी रेगुलर सीट पे, पेड पे नहीं, रेगुलर सीट पे अगर आप मार्क्स ला रहे हो इस तरीके का, तो आपको बीएचयू में एडमिशन के जो चांसेस हैं लगभग 95% से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद एमएमबी में अगर आप, क्योंकि एमएमबी जो है ना ये गर्ल्स कॉलेज है, बहुत सारी लड़कियां, देखो यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए, जो लड़कियां यहाँ पे पीछे वाले पावदान पे खड़ी हैं, यानी उनको चौथे राउंड पे एडमिशन मिल रहा है, ठीक है, चौथे राउंड में एडमिशन मिल रहा है, वो लड़की एमएमबी का प्रेफरेंस टॉप पे डाल के, ऊपर डाल के फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन ले सकती है। और फर्स्ट राउंड एमएमबी में एडमिशन लेने का मतलब है कि आपके हॉस्टल की पॉसिबिलिटीज 95% ज्यादा है। तो यहाँ पे लड़कियों को हॉस्टल नहीं मिलेगा, लेकिन वही लड़की जो यहाँ पे नीचे खड़ी है वो एमएमबी में जाके टॉपर बन सकती है और उसको हॉस्टल मिल जाएगा। और एफिलेटेड में हॉस्टल के चांसेस 0, क्योंकि वहां पे हॉस्टल्स नहीं है, वहां प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं। तो ये हॉस्टल्स के अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस भरा जाना चाहिए, मैं उस समय बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में अभी जाओ, एक वहां पे ना काउंसलिंग हेल्प टेक्स्ट करके लिंक है, आप ज्वाइन कर लो। काउंसलिंग के टाइम पे मैं आपके लिए पूरा एक गेटवे बना दूंगा काउंसलिंग वाला करके, जिसपे आप लोग अपनी काउंसलिंग डायरेक्टली कॉल करके काउंसलिंग कराना, जिससे कि आपके मार्क्स बेसिस पे जो हमारी टीम है वो आपका इस तरीके से काउंसलिंग करे कि आप हॉस्टल भी ले लो, अच्छे सब्जेक्ट्स भी मिल जाए। क्योंकि वो बच्ची जो इसमें नीचे वाले नंबर पे जा रही है, यानी चौथे राउंड में एडमिशन लेगी एफएमसी में, वो एमएमबी में अगर पहले राउंड में डाल देगी अपना, तो कहीं ना कहीं उसको अच्छे सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन ये चीजें आप जस्ट 12वीं के बच्चे जो है वो थोड़ा कम समझ पाओगे। तो आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करना, आप मेरे वीडियोस फॉलो करना और वो लिंक ज्वाइन कर लो जो काउंसलिंग हेल्प डेस्क है, और जो काउंसलिंग वाला नंबर है और भी वहां पे नंबर होगा उस पर व्हाट्सअप करके बस अपना नंबर सेंड कर दो। उस समय जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब आप वहां पे इंक्वायरी डालना और आपको पर्सनली कॉल पे पूरा हेल्प किया जाएगा, ठीक है। ओके, एमएमबी 235, 210, 220, 180 और ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हो गया 160, ठीक है, 160, ठीक है, 160। ये लगभग हम लोग 1-4 राउंड तक लेके चल रहे हैं। अब यहां पे मैंने लिखा हुआ एफिलेटेड कॉलेज, एफिलेटेड में जो प्रेफरेंस होना चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेरे साथ इसी वीडियो को देखने बाद दोबारा कभी मेरा कोई वीडियो ना देखे, तो प्लीज आपका लॉस हो जाएगा, मेरे कमिंग वीडियो जरूर देखना, नहीं तो अधूरा ज्ञान रहेगा। ये कॉलेजेस के प्रेफरेंसेज हैं, जैसे लिखा है इसी तरीके से प्रेफरेंसेज भी भरा जाना चाहिए, क्योंकि उसी तरीके से यहाँ पे पढ़ाई भी होती है। बीसीडब्ल्यू थोड़ा सा अच्छा कॉलेज है, पहले से इंप्रूव किया, नेक ग्रेड में भी टॉप में आ चुका है, इसको प्लस ग्रेडिंग मिल चुकी है। वीकेएम अपने आप में ठीक है, एएमपीजी, इन दोनों में अप डाउन चलेगा, यानी एएमपीजी को ऊपर कर दो, वीकेएम को नीचे कर दो, तो भी चलेगा, ठीक है। और डीएवी जो है ये को एडेड कॉलेज, जैसे ये तीनों जो कॉलेज है ना, बीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी, ये गर्ल्स स्पेशल कॉलेज, यहाँ पे लड़कों के एडमिशन नहीं है, ठीक है। ये डीएवी वाला जो है ये लड़के लड़कियों दोनों के साथ का एडमिशन है, तो कुछ लड़के जो है वो इसको प्रीफर करेंगे जब उनको एफएमसी नहीं मिलेगा तब, तो इसीलिए इसका कट ऑफ जो है वो इनसे ज्यादा पे रहेगा, भले नीचे लिखा हुआ है, प्रीफरेंस भरने के लिए मैंने इसको नीचे लिख दिया है, बाकी इसका कट ऑफ इनसे ज्यादा रहेगा डीएवी का, क्योंकि लड़के वहां पर प्रीफरेंस देंगे, ठीक है। अब आप अगर मेरे से ये पूछोगे सर एफिलेटेड में एडमिशन लेना है तो कितने पे हो जाएगा, तो ये जो लास्ट मार्क है या ये जो मार्क्स है इसमें आप लगभग ऊपर के यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में -40 कर दो, तो भी आपका जो मार्क्स निकल के आएगा, ठीक है, इस वाले मार्क्स से -40 कर दो, जो भी मार्क्स निकल के आएगा, तो भी आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है विथ पेड सीट। पेड सीट का मतलब होता है जो रेगुलर फी होता है उसमें 10,000 एक्स्ट्रा लगेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा फीस भी डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों को ये बात क्लियर रहे कि एक्चुअली फीस आपकी लगती कितना है, ठीक है। अगर आप एफएमसी में एडमिशन लेते हो, ठीक है, एफएमसी में रेगुलर सीट पे एडमिशन लेते हो, ठीक है, रेगुलर पे लेते हो, तो लगभग 3,000 में आपका काम हो जाएगा,
3000 में ऑन एन एवरेज हो जाएगा, इससे कम में हो जाएगा, ठीक है, मतलब एडमिशन हो जाएगा, एक साल का हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही बच्चा इन कॉलेजेस में अगर जाता है, इन कॉलेजेस में जाता है, ये जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, तो ये फी कम से कम हो जाएगा 8K to 10K, रेगुलर का 8 से 10 हजार हो जाएगा, ठीक है। तो लड़कियां जो एफिलेटेड में एडमिशन लेंगी, वो पहले से मेंटली अवेयर रहना कि ये फीस आपका इतना लगेगा, जो यहां लगता था इतना, वो यहां इतना लगेगा, और इस पे अगर आपने पेड़ ले लिया तो 10K एक्स्ट्रा लगेगा, यानी एक साल का अगर कोई बच्ची पेड़ पे एडमिशन ली है तो 20,000 रुपए भी लग सकता है किसी में, और वही BHU में लगेगा 13,000 रुपए, ठीक है। स्कॉलरशिप दोनों जगह मिल सकता है, यूपी गवर्नमेंट से हो तो यूपी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा, बाकी BHU स्कॉलरशिप नहीं देता है, कुछ वो लोग अपना टाइम से निकालते हैं स्कॉलरशिप, वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो स्कॉलरशिप बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे, यहां से मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि अब मैं आपसे वो जनरलाइज, वो एवरेज कट ऑफ आपसे डिस्कस करूंगा, जिसपे बच्चा लंबी सांस और थोड़ा सा राहत महसूस कर सकता है कि चलो इतना मार्क्स आ रहा है तो हमें एडमिशन मिल जाएगा, वो भी विथ गुड फैसिलिटी, BHU का वो हर कुछ जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो FMC के लिए मैंने वो एवरेज मार्क्स निकाला हुआ है, वो कट ऑफ निकाला है कितना, 230, यानी 230 नंबर अगर आप लेके आते हो किसी भी कैटेगरी से हो, व्हाटएवर जनरल, EWS, OBC, SC, ST, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपके हॉस्टल की पॉसिबिलिटी लगभग 50% है, और गुड सब्जेक्ट्स यानी अच्छे यूपी, जो चाहो, अच्छा मतलब है कि जो चाहोगे वो प्रेफरेंस में, जो ऑनर्स, जो सब्जेक्ट्स भरोगे वो सब्जेक्ट्स आपको मिलेगा 230 पे। ये 1, 2, 3 राउंड तक आपको एडमिशन की पॉसिबिलिटीज देता है, तो ये मार्क्स आपके एडमिशन के लिए इस बार का सबसे प्योर एवरेज कट ऑफ होने जा रहा है। कितना है ये 230, ये मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और फोन कॉलिंग के थ्रू जो मुझे रिव्यू, जो पोल के थ्रू वोटिंग मिले, उसकी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 230 मार्क्स अगर आप लाते हो तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज 90% एंड विथ 50% हॉस्टल फैसिलिटी एंड गुड सब्जेक्ट्स फॉर UPSC, व्हाट यू वांट, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हॉस्टल आपका ये भी डिस्कस कर लिए। देखो यहाँ पे कि बच्चे मुझे हॉस्टल्स वगैरह के लिए बोलेंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि एक ही वीडियो में हर कुछ नहीं डिस्कस हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि मेरे कमिंग वीडियो जरूर देखिएगा, आप कॉमेंट करके बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट का कटाफ आपको चाहिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हॉस्टल वाला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग वाला, ये तमाम जो लिंक्स हैं ये अवेलेबल हैं, आप जाओ उन्हें ज्वाइन करो, जिससे कि आपका कोई प्रॉब्लम है तो वहां सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि उसको एडमिशन की पॉसिबिलिटी समझ में आए, उसको कितना एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है वो समझ सके, ठीक है। तो हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं, प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करिएगा। हर हर महादेव।